सौवरी ऋषि अस्ताचल सूर्य को देखकर बोला, मैं संध्या भूल गया, बंधन भूल गया, मैं सौवरी। भजन करने के बीच में जो बाधा आई थी उसके कारण मैं पानी के भीतर चला गया, जल के भीतर, लोगों से बचने के लिए। और जहां गया, जो डर भागा सो डर आगा, जिस डर से भागा वो डर वहां मौजूद था। और मछलियों के रमण करते हुए देख करके वृत्ति ऐसी हो गई, सैकड़ों वर्ष गुजर गए और आज अस्ताचल सूर्य को देख करके, सविता देव भगवान को देख कर याद आया कि सौभरी कहां से कहां आ गए, क्या हो गया। एक वासना ने, एक कुसंग ने इतने वर्षों की जिंदगी को लील निगल लिया। मेरे भाइयों बहन, प्यारे मित्रों, बच्चों, कुछ पल का कुसंग भी तुम्हें गुरु के सत्संग से मिले विवेक का हरण कर सकता है। इसलिए दुनिया में कोई संपत्ति मांगे तो दे देना, तुम्हारा वित्त हरण कर ले तो दे देना, पर ध्यान रखना वित्त हरण हो तो हो जाए, पर कोई चित्त हरण न करने पाए। चित्त तो चित्त चोर के पास ही रहना चाहिए, गुरुदेव सरकार के पास रहना, वो कहीं नहीं जाना चाहिए। संगति बड़ी ध्यान से रखना। कुसंग बहुत बड़ा जीवन का अपराध नहीं कहूंगा, पाप भी नहीं कहूंगा, दुख का कारण है, शोक का कारण है, पल पल तुम्हें रुलाएगा। और कौन चाहेगा रोना, हंसने के लिए आए हो इस जीवन में, नृत्य करने के लिए आए हो, आनंद करने के लिए आए हो। अपनी एक छोटी सी भूल के कारण अपनी सारी संपत्ति को, विवेक की संपत्ति को, धर्म की संपत्ति को, प्रज्ञा की संपत्ति को, प्रबोध की संपत्ति को, ज्ञान की संपत्ति को, भक्ति की संपत्ति को गंवा मत देना। आनंद की संपत्ति को, शांति की संपत्ति को, सुख की संपत्ति को, भक्ति की संपत्ति को गंवा मत देना एक छोटे से कुसंग के कारण। इसलिए तुम्हारे गुरु, तुम्हारे माता पिता जब किसी संग के लिए तुम्हें गुरुजन, श्रेष्ठ जन, माता पिता गुरु, ये जब तुम्हें किसी संग के लिए इंगित करें तो फिर मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, हमें याद नहीं रहते। हमने बोला था कि आसपास में कुछ लोग बैठेंगे, करिए सुबह बिना विचार जानी, ऐसे ही कुछ, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं रहते। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी बिना विचार किए ही मानने के योग्य होता है। और एक जगह और है, आज्ञा गुरुर नाम अविचारणीय, बोला सभी आज्ञाओं में एक बार विचार कर लेना, पर जीवन में जब कोई गुरु आज्ञा दे तब विचार मत करना। गुरु की आज्ञा में विचार, विचार जहां करना है वहां तो किए नहीं, विचार जहां होना चाहिए वहां तो हुआ नहीं। और जो उन कुविचारों से, दुर्विचारों से और जीवन के उन संकटों से तुम्हें मुक्त करना चाहता है, उनकी ही आज्ञा में विचार करने बैठ जाते हो तो विचार नहीं करते। आज्ञा गुरु नाम अविचार, सूर्य कोटि सूर्य समप्रभा, मैं तो एक अस्ताचल सूर्य की बात कर रहा हूँ, एक उदित होने वाले सूर्य की बात कर रहा हूँ, परंतु श्रीमद्भागवत गुरु के विषय में कहती है कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य की तरह चमकने वाले, जो हृदय में कोने कोने में जहां भी अज्ञान और मोह का अंधकार होगा, मोह रुलाती है, अज्ञानता जीवन में दुख प्रदान करती है, तो करोड़ों सूर्य की रोशनियां तुम्हारे हृदय के भीतर में गुरु की वाणी बनकर ढूंढती है और कोने कोने से तिमिर को मिटाती है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनम सलाकया चक्षुरुण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिर मिटाने वाला कौन है, बड़ा श्री गुरु है। अज्ञानता के तिमिर को, अज्ञानता के अंधकार को, मोह के अंधकार को अगर कोई मिटा सकता है तो श्री गुरु मिटा सकते हैं। इसलिए उनके विषय में लिखा गया आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय। श्रीमद् भागवत की कथा क्या है, गुरु और शिष्य के बीच घट रही कथा है, परीक्षित और सुखदेव जी के बीच चल रही कथा है, सूत जी और सौनक आदि के बीच चल रही कथा है, विदुर और मैत्रेय के बीच चल रही कथा है,
गुरु और शिष्य के बीच की कथा है। तो गुरु के चरणों में ही जिसका विश्वास न हो, गुरुवाणी में ही जिसका विश्वास न हो, वो फिर श्रीमद् भागवत भी सुन के क्या करेगा। जब प्रारंभिक लेसन ही नहीं पढ़ा, जब किसी भी मकान के दुकान के फाउंडेशन ही अच्छे ना हुए, तो ऊपर कितना बढ़िया आर्किटेक्ट बुला करके और इंटीरियर बुला करके अब पूरा सब कुछ करवा दो, बस झटके से एक दिन गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सारी मेहनत चली जाएगी। फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। कुल मिलाकर यही कह रहे हैं कि उनकी वचनों में, गुरु वचनों की महिमा अपरंपार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न। क्या परीक्षित का जहाज डूब गया? गुरुदेव सुखदेव की वाणी 7 दिनों तक लगातार सुनी परीक्षित ने। सर्प ने काट भी लिया, मृत्यु का श्राप भी मिला था, पर क्या परीक्षित को मार पाए? परीक्षित तो सदेह पहुंच गए नंद नंदन के चरणारविंद में, गोलोक पहुंच गए, कुछ नहीं बिगड़ा। गुरुदेव की वाणी ऐसी वाणी है जीवन में। भगवान सबके प्रिय हैं, सबकी आत्मा है, लेकिन भगवान की आड़ लेकर के कभी गुरु का अपमान मत करना। नहीं, रामचरित मानस इसका साक्षात उदाहरण है। काग भुसुंडी के पूर्व जन्म की कथा अच्छे से सुना होगा आपने। गुरुदेव भगवान ने शिव मंत्र दिया। हमारी तो गुरु परख ही कथा होती है, सब जो भी कथा होती है गुरु परख होती है। गुरु घंटालों को अच्छा लगता भी नहीं है, जो घंटाल लोग, घंटाला जिनके जीवन में, भाई डिसाइड तो तुम्हें करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। जीवन के लिए रुपए जरूरी हैं, जीवन के लिए समृद्धियां जरूरी हैं, पर तुम्हारी आत्मा में अगर रुपए घुस गए हैं, तुम्हारी आत्मा में बिक गई है रुपए के कारण अगर, तो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, बिके हुए लोगों के लिए यहां पर कोई स्थान नहीं। तुम आओ, खरीदने के लिए मैं तैयार हूं, तुम मेरे पास जितना सामर्थ्य है तुम धन से खरीदाओगे, खरीद लूंगा अगर मेरे पास धन है। पर अगर गुरु की वाणी, उनकी अहेतु की कृपा और जीवन के परमानंद को पाना चाहते हो, तो शरणागति भी नहीं, प्रपत्ति ही करनी पड़ेगी कि आपकी जो इच्छा करो, हम तो आपके थे, आपके हैं और आपके रहेंगे। आपके विषय में तो पता नहीं, पर प्रत्येक सद्गुरु अपने शिष्य के लिए ऐसे ही जीता है, तुम करोड़ों अपराध करो, मैं तुम्हारा था, हूं और सदा रहूंगा। गुरु तो ऐसे ही, गुरु का जीवन यही है। क्यों? गुरु वही होता है जो शिष्य होता है। जो सदशिष्य हो गया वही तो गुरु है। बिना शिष्य बने गुरु बनने की तैयारी, इसका मतलब है सिद्ध नहीं मंत्र दे मरे मारे करे क्षय। हमारे गुरु जी कहते थे, सिद्ध नहीं मंत्र दे मरे मारे करे क्षय। जो स्वयं ही सिद्ध नहीं, जो स्वयं ही गुरु भक्त नहीं, जो स्वयं ही गुरु चरणारविंद का रसिक नहीं, अगर उसके द्वारा कहीं मंत्र मिल गया तो बोला मरे मारे करे क्षय। वेदवाणी, एक सच्चा शिष्य ही गुरु होता है। जो शिष्य नहीं वो गुरु हो ही नहीं सकता। या यूं कह सकता हूं, ये पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है ये, 100% शिष्य इज इक्वल टू गुरु। जो 100% अपने गुरु का शिष्य है, अब उसके गुरु होने में कोई बाधा रह नहीं गई है। वो जिसको छुएगा, जिसको स्पर्श करेगा, जिससे मिलेगा, उसके भीतर गोविंद का प्रेम उत्पन्न कर ही देगा। वो गुरु हो चुका है। 100% शिष्य ही गुरु हो। हाँ, गुरु बनने की कोई कोचिंग नहीं है यहां पर, मैंने कोचिंग में चले जाएंगे। अच्छा, गुरु बनने का कोर्स कितने में? बोला 3 महीने में। बोला तो बना दो हमको। 12 साल तक, एक युग बोलते हैं 12 वर्ष को, 12 वर्ष तक तो कम से कम गुरु के चरणारविंद में रहकर अखंड अनंत सेवा उनकी अनुसार जिन लोगों ने किया। पहले तो 25 था ब्रह्मचर्य जब होता था, 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी बन के रहते थे हमारे आश्रमों में, और तब जाकर गुरु जब देख लेते थे कि तुम गृहस्थ में जाने योग्य हो या सीधा ही तुम संन्यास्त हो सकते हो, गुरु निर्णय लेते थे।
और अगर कोई सीधा ही सन्यास को धारण कर लेता तो सन्यासी किसी के भीतर देखते कि अभी तुम्हारी थोड़ी वांछा बाकी है, अभी तुम्हारी थोड़ी 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 चाहत बाकी है, तो तुम्हें सन्यस्त में नहीं जाना चाहिए, पहले तुम गृहस्थ आश्रम में जाओ, वानप्रस्थ में जाओ, फिर सन्यस्त आश्रम में तुम चले जाना। ये हमारे यहाँ की सीढ़ियाँ थी, प्रक्रियाएँ थी। पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी ब्रिलियंट स्टूडेंट भी होते हैं, कभी कभी हमने हमें पाँचवें और छठे क्लास को हम जिस स्कूल में पढ़ते थे कहा इनको डायरेक्ट सातवां में ले लो सप्तम क्लास में, क्यों बोला बहुत ब्रिलियंट है, हमने बहुत बढ़िया दो साल बचा हमारे, लेकिन वो आगे जा करके सब गड़बड़ हो गए, 13 साल में पहुँच गए हाई स्कूल में, तो कहा 15 साल से पहले तो अपीयर ही नहीं हो सकते हम, के लौट के बुद्धू घर को आए, फिर 2 साल हमारा बर्बाद हो गया, तो फिर 2 साल हमारा उम्र को बढ़ाना घटाना एज को। तो ब्रिलियंसी होती है जीवन में, तो आपको कई कक्षाओं को उसको लंघन करना बोलते हैं, जरूरत नहीं आपके लिए। भैया जिनके जीवन में गुरु के प्रति गंभीरता का भाव, अपनत्व का भाव, मंगल के दाता वही हैं ऐसा भाव हो, मैं सत्य कहता हूं वृंदावन की इस भूमि पर व्यास पीठ से बैठकर कहता हूं कि गोविंद भी उनको अपने हाथों में उठा के रखते हैं, अपने उंगलियों में ऐसे उठा के रखते हैं, केवल गुरु के प्रति निष्ठा हो।